हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ टू अनब्लॉक लिंक्डइन रेस्ट्रिक्टेड अकाउंट। तो यहाँ पे किसी भी रीज़न की वजह से अगर आपको अनब्लॉक करना है, आपका ब्लॉक हो गया है आपका लिंक्डइन का रेस्ट्रिक्टेड अकाउंट, तो वीडियो एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना। सबसे पहला ऑप्शन आपको जीमेल के थ्रू बताऊँगा, तो जीमेल ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद क्या लिखना है, कैसे लिखना है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। सबसे पहले नेम का कॉलम लिख के उस पर आपको अपना नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको नंबर का कॉलम लिख के अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर डाल देना है जो लिंक्डइन में रजिस्टर है। उसके बाद लास्ट कॉलम आएगा रिक्वेस्ट का। रिक्वेस्ट के कॉलम में बताना चाहता हूँ जो मैं यहाँ पे आपको लिख के बता रहा हूँ, वही आपको भी सेम टू सेम मेरा कॉपी करके लिख लेना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लीज़ अनब्लॉक माय लिंक्डइन रेस्ट्रिक्टेड अकाउंट, इतना आपको यहाँ पे लिख देना है रिक्वेस्ट के कॉलम में। उसके बाद आपको ऊपर सब्जेक्ट का कॉलम दिखेगा, वहाँ हम लिखेंगे लिंक्डइन रेस्ट्रिक्टेड अकाउंट अनब्लॉक रिक्वेस्ट। ये सब कुछ लिखने के बाद सबसे लास्ट में जीमेल आईडी आपको डालना है यहाँ पे। तो मैं जीमेल आईडी डाल देता हूँ लिंक्डइन की, यहाँ पे आप देख के कॉपी कर सकते हैं। आप खुद भी जीमेल आईडी वहाँ से ले सकते हैं एप्लीकेशन से लिंक्डइन की, और यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपना ईमेल अच्छे तरीके से चेक करना है, जो भी आपने यहाँ पे लिखा है वो प्रॉपर और करेक्ट होना चाहिए और उसमें कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर आपके ईमेल में मिस्टेक हो जाएगी तो आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं होगी, और रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं होगी तो यहाँ पे आपका लिंक्डइन रेस्ट्रिक्टेड अकाउंट अनब्लॉक नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे अच्छे से चेक करने के बाद ही आपको अपना ईमेल, यहाँ पे एरो आइकॉन दिख रहा होगा सेंटर में, उस पर क्लिक करके आपको अपना ईमेल सेंड कर देना है। सेंड करने के बाद यहाँ पे आपको थ्री लाइन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे जैसे ही आप थ्री लाइन पे क्लिक करेंगे तो सेंड का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ आप चेक कर सकते हैं अपना ईमेल सेंड हुआ है या नहीं। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि आप ईमेल सेंड कर देते हैं और किसी भी रीज़न की वजह से सेंड नहीं हो पाता है, स्पैम में चले जाता है, या फिर और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं। तो यहाँ पे आप चेक कर लेना कि आपका ईमेल सेंड अगर हो गया है तो फिर आपको रिप्लाई आ जाएगा लिंक्डइन की तरफ से कि आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो चुकी है और 48 आवर्स में आपका जो अकाउंट ब्लॉक हो चुका था रेस्ट्रिक्टेड अकाउंट वो अनब्लॉक हो जाएगा। तो ये है पहला ऑप्शन जहाँ पे आप जीमेल के थ्रू अपना लिंक्डइन रेस्ट्रिक्टेड अकाउंट अनब्लॉक कर सकते हैं। और अगर ये ऑप्शन वर्क नहीं किया तो यहाँ पे आप सेकेंड ऑप्शन भी ट्राई कर सकते हैं। ये मैं आपको बता देता हूँ, आपको लिंक्डइन एप्लीकेशन ओपन करना है, वहाँ पे हेल्प एंड सपोर्ट या फिर कॉन्टेक्ट अस का ऑप्शन देखने मिलेगा, तो वहाँ पे आपको कस्टमर केयर से बात करना है और वहाँ पे लिंक्डइन अकाउंट रेस्ट्रिक्टेड अकाउंट ब्लॉक हो चुका है उसे अनब्लॉक करने का प्रोसीजर पूछना है, जो प्रोसेस आपको कस्टमर केयर बताएंगे स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है, और वहाँ से भी आप अपना लिंक्डइन रेस्ट्रिक्टेड अकाउंट अनब्लॉक करवा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी और हेल्पफुल लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना कि आपका लिंक्डइन रेस्ट्रिक्टेड अकाउंट अनब्लॉक हुआ है नहीं, और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर देना। ओके, बाय।